नमस्कार, मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, दिल्ली स्टूडियो से। मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। आपकी सभी क्वेरीज मिडकैप शेयरों से जुड़ी हुई शो में हम शामिल करेंगे। मिडकैप मार्केट का पूरा एक्शन भी बताएंगे और ठीक 1:30 बजे होगा हमारा खास सेगमेंट डेंजर जोन। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स को देखें तो दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। एक-एक बिकवाली मार्केट्स में अब और स्ट्रेच हुई है और इस बिकवाली को एक्सटेंड करने का जो रोल निभाया वो निभाया है यूरोपियन मार्केट्स ने। यूरोपियन मार्केट्स को इनफैक्ट सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर एशिया जो यूरोपीय बाजारों की शुरुआत है वो कमजोर नोट पर हुई है, जिसके बाद एक-एक इंडियन मार्केट्स पर प्रेशर बिल्डअप हुआ और अभी भी तीनों ही यूरोपियन इंडाइसेस दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यूरोपियन मार्केट्स का हाल आप देखिए, क्या कभी भी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है 4-5-6 के लेवल पर। डैक्स और फुटसी की भी एक वीक ओपनिंग ही हुई है और वो दोनों इंडेक्स भी कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 0.5-1% की कमजोरी तीनों ही यूरोपीय बाजार में देखी जा रही है। इसी वजह से इंडियन मार्केट्स की जो कमजोरी थी वो और स्ट्रेच हुई है। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट इस वीकनेस में जो पॉकेट्स कर रही है उनमें बैंक्स हैं, साथ ही ऑटो स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली जोरदार है। ये कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जो कि निफ्टी लूजर्स हैं, मोटर्स 3.5% से ज्यादा वीक है और डॉक्टर रेड्डीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, भारतीय एयरटेल, कमजोरी इन सभी शेयरों में भी आज के सत्र में रही है। कुछ और निफ्टी लूजर्स उनमें यूनाइटेड ब्रिवरीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, वेदांता, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सेल शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि मेटल्स हुए या फिर ऑटो स्टॉक्स हुए, बैंक स्टॉक्स हुए, मुनाफा वसूली इन स्पेसिफिक पॉकेट्स में ज्यादा है आज के सत्र में। हालांकि ज्यादातर सेक्टर्स जो है वो लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रिसाइज पॉकेट्स ऐसे भी हैं जो इस कमजोर मार्केट में भी हरे निशान में बनी हुई हैं। ये गेनर्स आपके स्क्रीन पर, हालांकि टाटा मोटर्स अब लाल निशान में आ चुका है, लेकिन अदानी पोर्ट्स, आइडिया सेल्यूलर, एशियन पेंट्स, एससीएल टेक 1% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं आज के सत्र में भी। ऑटो स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हावी हुई है। ऑटो लूजर्स आपकी स्क्रीन पर हैं भी, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमएनए, वाइशन मोटर्स, इन सभी में दबाव आज के सत्र में देखा जा रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पर भी दबाव है और वीक परफॉर्मेंस बैंकिंग स्पेस से आपकी स्क्रीन पर है। आपकी तमाम क्वेरीज को शो में शामिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं शो में शामिल होने का। मिडकैप हमारा कीवर्ड है। मिडकैप लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। दूसरा नंबर है 0120-425-8237। अविनाश, गोरख साकर और स्वाति होडकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए और सवाल जवाब का सिलसिले को शुरू भी करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ विंकल वजीर मौजूद है जम्मू से। विंकल साहब नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं इनका। सिंडिकेट बैंक पर इनकी क्वेरी है, 1200 शेयर है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 70 रुपीज का है। अविनाश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट, क्या अप्रोच रहेगी आपकी ऑन सिंडिकेट बैंक? 67 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है और जिनका परचेजिंग प्राइस है वो 70 का है, यानी इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ही है, अभी क्या रणनीति रखें आज के लिए? मैं समझता हूँ दीपाली, सिंडिकेट बैंक से कोई ज़्यादा बड़े उम्मीदें रखना शायद एक पॉजिटिव बात नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में आएंगे हमको लगता है कि शायद नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और एसेट क्वालिटी खराब रहेगी। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस और मार्केट प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है, इनको इस शेयर से निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कोई PSU बैंक में ये निवेश करना चाहती है तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प रहेगा, लेकिन PSU बैंकों से मुझे लग रहा है शायद और थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेज आ सकते हैं और सिंडिकेट बैंक भी शायद जो नतीजे आएंगे वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज प्रेजेंट करेंगे, तो यहां से निकलना ही बेहतर रहेगा। सिंडिकेट बैंक में से निकलना इज बेटर, ऐसा अविनाश की राय है। मिस्टर दर्शन ने हमें कॉल किया हुआ जलंधर से। नमस्कार दर्शन, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पास टीटागढ़ बैंक ना, ये 1000 शेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर 91 पे लिए, मैं इसको फरवरी तक रखना चाहता हूं सर। Sure, आपको राय जरूर दिला देते हैं। स्वाति, 1000 शेयर्स टीटागढ़ बैंक, 91 की लेवल की इनकी परचेज प्राइस है और ट्रेंड जो हम हर साल देखते हैं लगभग रेल बजट के आसपास से शेयर्स मूव करते हैं और 140 ऑड लेवल से ये स्टॉक टच किया था लगभग फरवरी 19 ऑड डेट के करीब और वहां से स्लिप होकर 90 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक में इनको क्या करना चाहिए? शुड यू मूव ऑन फ्रॉम टीटागढ़ वैगन्स एंड मूव ऑन टू द अदर स्टॉक? ये अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो लास्ट 6 मंथ से ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चढ़ रहा है, करेक्शन देख चुकी है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में फ्रॉम 160 लेवल्स टू 90 ऑड लेवल्स। एज ऑफ नो ये ओवरसोल्ड प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी थम जाएगी अभी ये लेवल पे। 85 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो आई विल सजेस्ट कि 85 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट गेट अ ब्रेकआउट ऑफ 94 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तब तक अपसाइड रैली काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। एक बार 94 ब्रेक करेगा तो इट विल रीच टू 100 ऑड लेवल्स,
तो अभी सजेस्ट जितना ही ऊपर जाता है उतने में आप सेल कर दीजिएगा एंड एज ऑफ करंट ना होल्ड कीजिएगा बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 85 रुपीज ऑन अ डाउन साइड। जी चलिए अब कुछ अर्निंग्स की बात कर लेते हैं और मनापुरम फाइनेंस के एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स आए कल मार्केट क्लोजिंग के बाद और आज एक स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन भी दिखाया, आपने 52 वीक हाईस भी टच किया और अभी भी 7.5 रुपए की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। आय 21% बढ़ी है और मुनाफे में ऑलमोस्ट 80% का एक शार्प सर्ज आता हुआ दिखा है। अब इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर कपिल कृष्ण मौजूद भी हैं, CFO हैं मनापुरम फाइनेंस के। कपिल जी नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स। सर पहला कमेंट यही रहेगा कि जिस तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखी है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स रहे कैसे हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और प्रिसाइसली जो गोल्ड लोन बिजनेस है वहां पर ग्रोथ मोमेंटम कैसा रहा इस तिमाही में? ये जो हमारा प्रॉफिट इज अप फॉर द क्वार्टर फोर इज अप 87% कंपेयर्ड टू Q4 लास्ट ईयर एंड 30% हायर देन Q3। ओके तो इसका मेन रीजन है कि हम लोग का जो बुक है कंसोलिडेटेड AUM हैज ग्रोन बाय 20% एंड आवर नेट यील्ड हैज गॉन अप क्योंकि हम लोग में थोड़ा वी चेंज आवर प्रोडक्ट मिक्स एंड उसके वजह से यील्ड ऊपर गया प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स भी डाउन है। लास्ट ईयर 12% था, इस ईयर 10.5% है तो उसकी वजह से भी काफी इंटरेस्ट सेविंग आए हैं इस साल में और हम लोग का बुक ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस में भी हो रहा है और गोल्ड लोन बुक भी अच्छा ग्रो हुआ है तो ये सब कारण है कि हमारा प्रॉफिट अच्छा ग्रो हुआ है। मिस्टर कृष्ण जैसे बता रहे थे कि लार्जली आपने एक एक ब्रीफ वे में बताया कि प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है आपका बट गोइंग फॉरवर्ड आपकी कौन कौन सी ज्योग्राफीज में से आप कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं एंड ज्योग्राफिकली इफ यू कैन जस्ट इलाबोरेट कि आपको इंक्रीमेंटली ग्रोथ कैसे देखने मिलेगी सेगमेंट वाइज? इंक्रीमेंटली भी जो हमारे सब सेगमेंट्स हैं वो सब ग्रो हो रहे हैं। हमारे गोल्ड लोन बिजनेस अभी 15-20% ग्रो होना चाहिए नेक्स्ट ईयर इन FY17। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में हम लोग ने 1000 करोड़ का AUM था और 300 करोड़ ऐड हुआ है Q4 में तो अगर वही आप ऐड करेंगे तो सेम ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट ईयर में भी एक्सपेक्टेड है हमको और न्यू बिजनेसेस भी शुरू किए अफोर्डेबल हाउसिंग वो भी बढ़ना चाहिए तो सभी सेगमेंट अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जी कपिल जी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में कैसी है जिसको आपने लास्ट ईयर एक्वायर भी किया था वहाँ ट्रैक्शन कैसी दिखी इस क्वार्टर में? वहाँ भी 300 करोड़ से बुक ग्रो हुआ, फुल ईयर का प्रॉफिट इज 24 करोड़ एंड ROA इज ऑलमोस्ट 4%। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आशीर्वाद का एंड दे आर नाउ इन 13 स्टेट। जब हमने अक्वायर किया था एक साल पहले तो उनका बुक सिर्फ 330 करोड़ हुआ था तो ट्रिपल हो गया बुक एक साल में और उस समय वो बस 3 स्टेट्स में थे, अब 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। जी 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 तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जी चलिए शुक्रिया कपिल जी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और कंग्रेचुलेशन अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। मनापुरम का अगर स्टॉक देखें तो 49 रुपीज पर ट्रेड करा, आज इस तरह में फ्रेश 52 वीक हाइस भी टच किए हैं आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। लेकिन वापस अब कॉलर्स की ओर रुख करेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरुण शर्मा है मथुरा से। वरुण गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, बताइए। और मुझे मुझे दोनों क्वेश्चन के जो जवाब है वो स्वाति मैडम से ही चाहिए। ठीक है पूछिए अपना क्वेश्चन। मेरा सवाल है स्पाइस जेट, मैंने 61.70 रुपए पे 25 शेयर ले रखे हैं। ठीक है और क्लैरिस लाइफ साइंसेज 164 रुपए पे 10 शेयर हैं। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं? हाँ जी। ठीक है स्वाति टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं स्पाइस जेट में जहां पर इनका परचेजिंग प्राइस है 61.7 का, प्रॉफिट्स में है ये अभी, क्या करें? और दूसरा है क्लैरिस लाइफ साइंसेज, यहां पर इनका परचेजिंग प्राइस 164 रुपीज का है। दोनों स्टॉक्स पर क्या स्ट्रेटेजी इनको रेकमेंड करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? स्पाइस जेट अभी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, अगर हम लास्ट फ्यू वीक्स का डेटा देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम पे में चल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इवन क्लाइंट पे भी फिलहाल प्रॉफिट में, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन कीजिएगा बट डाउन साइड एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एट अराउंड 74 ऑल लेवल्स का। अगर 74 ऑल जब तक सस्टेन है तब तक अपसाइड जाने की संभावना है 84-85 रुपीज लेवल तक, तो वहाँ पे एक बार आ जाते तो एटलीस्ट यू शुड बुक दी हाफ ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर एंड अगेन आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं टूवर्ड्स 80। तो मेरी राय होगी कि यहाँ पे ये लेवल पे फिलहाल होल्ड कीजिएगा, मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ अ 74 ऑन अ डाउन साइड। श्योर अगले कॉलर का मैसेज है मिस्टर आनंद
आनंद कुमार, अविनाश उनका सवाल है अशोक लेलन पर, 500 और शेयर्स 107 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली हम अशोक लेलन का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन अ सो परफॉर्मर बीट इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस और इन सेल्स नंबर। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि अशोक लेलन में कितना स्ट्रेंथ है गोइंग फॉरवर्ड और कौन कौन से लेवल्स दिखा सकते हैं? मनोज, मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड की अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें लास्ट दो क्वार्टर से तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि FY17 में भी जो ग्रोथ सीवी मार्केट में रहेगी वो कम से कम 15% रहेगी। कंपनी इससे भी ज़्यादा बेहतर ग्रो करने की टारगेट कर रही है और जिस प्रकार का सिनारियो अभी बढ़ रहा है मेरे को लगता है कि इस साल FY17 भी अच्छा साल रहेगा। तो अगर लेवल्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कम से कम 130-135 का लेवल कम से कम नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में पॉसिबल है। ये लेवल पर शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की प्रॉफिट और जिस प्रकार का टॉप लाइन ग्रोथ अशोक लेलैंड FY17 में रहेगा मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 125-130 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स। तो 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव से अशोक लेलैंड होल्ड करने की सलाह है। लेकिन चलिए अब यहां से सीधे रुख करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। और एक्सक्लूसिव खबर लेकर दीपक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद भी हैं और खबर है कि आयरन ओर के माइंस के ई ऑक्शन को अप्रूवल मिल सकता है। एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है उनके पास ये उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए दीपक जी। देखिए एक बड़ी खबर है, एक कई कंपनियां थी जिनको माइंस ई ऑक्शन में उन्होंने सबसे L1 थे वो उन्होंने बोली लगाई थी, उसमें वेदांता लिमिटेड है, श्री सीमेंट है, साथ ही साथ सेंचुरी सीमेंट है और SR स्टील है। इन लोगों को छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में माइंस मिले थे। इसी हफ्ते एक बैठक हुई है जिसमें ये तय किया गया है कि इन जिन कंपनियों को माइंस जिन्होंने बोली जीती है उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू हो जाए इसके लिए कार्रवाई करनी हो चाहिए, चाहे ताकि जो जेस्टेशन पीरियड है उसको मिनिमम किया जा सके और ये जेस्टेशन पीरियड है उसको करीब 6 महीने के भीतर करने की कोशिश है ताकि माइनिंग ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू हो। और इसके लिए खुद निगरानी जो है PMO कर रहा है, यानी कि इन कंपनियों को जिन्होंने ई ऑक्शन में माइन जीते हैं उनको जल्द से जल्द इनमें ऑपरेशन शुरू हो जाए इसके लिए खुद PMO निगरानी कर रहा है। वेदांता को गोल्ड माइन मिला है छत्तीसगढ़ में, इसी तरह श्री सीमेंट और जो सेंचुरी सीमेंट है उनको भी छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन माइन मिला है, जबकि उड़ीसा में जो SR स्टील है उनको एक आयरन ओर माइन मिला है और इन पे इन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट भी भारी भरकम किया है। अगर ये माइंस जल्दी ऑपरेशनल हो जाती है तो इससे जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको एक तरह से बल मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक का ये खबर बताने के लिए। बट इनफैक्ट अविनाश वेरी क्विकली जैसे दीपक बता भी रहे थे कि लार्जली माइंस को लेकर एक डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट वेदांता, श्री सीमेंट एंड SR स्टील आर इन्वॉल्वड इन दैट बीट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड माइन एलोकेटेड टू वेदांता यहाँ पर, या छत्तीसगढ़ में श्री सीमेंट को एलोकेशन हुआ था एंड आयन ओर माइन टू SR स्टील। ये सारी न्यूज को आप कैसे सम अप करते हैं वेरी क्विकली? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिया लें, क्योंकि माइन एलोकेशन के बाद अगर PMO का ऑफिस इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करती है तो डेफिनेटली ओवरऑल सारी कंपनी जैसे वेदांता, SR स्टील, श्री सीमेंट इनके लिए फायदेमंद बात रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी ने डाले हैं अगर इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट और ऑपरेशनल बनता है तो ऑब्वियसली आगे आने वाले सालों में इनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा इंपैक्ट ना आए लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेट वेदांता, श्री सीमेंट और SR स्टील को डेफिनेटली यू नो इसमें पॉजिटिव यू नो रब ऑफ मिलना चाहिए। नमस्कार रमेश, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून, आई एम होल्डिंग 10 शेयर्स ऑफ आइशर मोटर्स एट 17,100। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऑलराइट, व्हाट शैल आई डू? ओके श्योर, आपको राय जरूर दिला देते हैं। स्वाति आयशर मोटर्स पर उनका सवाल है, 10 और 6 17,600 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली न्यूज फ्लो के चलते हुए द स्टॉक इज ट्रेडिंग रफली अराउंड 650 और रुपीज लोअर। ब्लॉक डील के बाद में एक काफी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी स्टॉक में, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा फॉल फर्दर बाकी है आयशर मोटर्स में?
एज ऑफ ना आयुषर मोटर का हम लोग चार्ट देखे तो हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक पुल बैक रैली वापस आ सकती है। आज के अगर हम देखें तो एक ब्लॉक टिल हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, विच कम्स एट अराउंड 18,200 ऑल लेवल्स के वहाँ पे। एक 19,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो क्रॉस कर जाएगा तो वापस 22,000 का टारगेट अपसाइड ओपन हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट हिम कि तो मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,200 कॉन डाउन साइड एंड कैरी योर लॉन्ग पोजिशन फॉर अ 21,000 to 22,000 का टारगेट। अगले कॉलर हमारे साथ संजय जैन है फोन लाइन पर हैदराबाद से। संजय जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। एक्चुअली आई एम होल्डिंग टाटा मोटर डीबीआर मैडम एट द रेट 310,000। ओके, सो शुड आई होल्ड और शुड आई सेल इट ऑफ? व्हाट्स योर टाइम होराइजन, कितने समय रह सकते हैं आप बने? बिटवीन 10-15 डेज शैल आई वेट और हाउ टू डू मैडम, जस्ट सजेशन। ठीक है, अविनाश क्या कमेंट्स होंगे टाटा मोटर्स डीवीआर पर, जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 310 रुपए का है, 275 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी क्या रेकमेंड करेंगे आप? नहीं दीपाली, मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स में एक ऑलरेडी इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन जो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स टाटा मोटर्स के लिए हमको लगता है काफ़ी अच्छे हैं, इस कारण कि JLR के नंबर्स भी अप्रैल में काफ़ी अच्छे आए हैं, डोमेस्टिक CV मार्केट में भी इनकी ग्रोथ अभी पिकअप हो रही है, और प्लस डोमेस्टिक कार मार्केट में भी लास्ट 2-3 महीनों से जो ग्रोथ आ रही है, इनके काफ़ी नए मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी ग्रोथ पॉजिटिव आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये 6-12 महीने का नज़रिया रखते हैं तो ये गिरावट एक्चुअली में थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट प्राइस कम कर सकते हैं, और एक साल का नज़रिया रखें, यहाँ पर डेफिनेटली हमको लगता है कि DVR जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स में इंक्लूड कर चुका है और यहाँ पर अच्छी बढ़त पॉसिबल है, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करें। सो होल्ड ऑन टू टाटा मोटर्स DVR, ऐसा अविनाश की राय है। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर आयुष फ्रॉम शरणपुर, नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। 125 शेयर्स ले रखे हैं 240 पे मंगलम के। हेलो, ऑल राइट, तो आपने मंगलम ड्रग्स कभी खरीदा आपने आयुष? जी सर, पहले मैंने खरीदा था 140 पे मार्च से पहले फरवरी में। All right, तो आपको पता था जब ये स्टॉक वॉज फ्री फॉल हुआ था, जब उसके बाद भी आपने खरीदे शेयर्स? हाँ जी, मैंने 420 पे सेल कर दिए थे, उसके बाद मैंने दोबारा खरीदे हैं अप्रैल के अंदर। ओके, ठीक है, ऑल राइट। ओके, सो स्वाति, जैसे आयुष ने बताया उनका लार्जर कंसर्न वॉज स्टॉक था मंगलम ड्रग्स, 125-240 लेवल्स की परचेस प्राइस 212, द स्टॉक इज ओनली फॉलिंग, जनवरी से लेकर अभी तक 440 लेवल से स्लिप होकर स्टॉक 212 लेवल पर ट्रेड कर रहा है, कितना डाउनसाइड बाकी है और आपकी क्या सजेशन है इनके लिए? आपने सही कहा है कि फ्रॉम लास्ट 3 मंथ ये स्टॉक में काफी डाउनफॉल कंटिन्यूस चल रहा है, फ्रॉम 290 ऑल लेवल्स वी हैव सीन अ करेक्शन टुवर्ड्स 180 ऑल लेवल, बट ये स्टॉक में इतना स्ट्रेंथ है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक कर रहा है, जो कि अराउंड 190 ऑल लेवल्स के आसपास है। जब भी ये 190 के 200 डे मूविंग एवरेज टच करता है देन अगेन इट्स बाउंस बैक देता है अगर बैक टुवर्ड्स 250-260 ऑल लेवल्स पे। अभी भी ये स्टॉक फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड कीजिएगा अनलेस एंड अंटिल इट स्टेज अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। एक बार वापस 230 का ब्रेकआउट मिलता है तो वी विल गेट अ रैली टुवर्ड्स 250-260, वहाँ पे एक बार आ गए तो प्लीज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स, एंड अभी करंट लेवल पे होल्ड कीजिएगा बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 290 ऑन अ डाउन साइड। जी, अगले कॉलर हमारे साथ है तुषार महाराष्ट्र से। तुषार गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है? जी मेरे पास MRF है 200 शेयर। परचेजिंग प्राइस क्या है? परचेजिंग प्राइस मैडम, हेलो, 12,000 की। कब की खरीद है आपकी ये? मैडम काफी पुरानी खरीदारी है, इसीलिए आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पर भी हैं, कंग्रेचुलेशंस आपको इतने स्ट्रांग प्रॉफिट्स के लिए। अविनाश, MRF एक्सपेंसिव कैटेगरी का स्टॉक, लेकिन अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली, 12,000 पर इन्होंने शेयर खरीदा और 33,000 के लेवल पर स्टॉक खड़ा और इनके पास क्वांटिटी भी 200 शेयर्स की है। अब इतने स्ट्रांग मुनाफे को लेकर बाहर आ जाएं या फिर अभी भी बने रहे हैं MRF में?
मैं समझता हूँ कि दीपाली यहाँ पे इनको ये चाहे तो 50% ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मुनाफा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट बाकी 100 शेयर्स ये यू नो कम्प्लीटली कॉस्ट फ्री कर सकते हैं। और रही बात फ्यूचर MRF की, तो मैं समझता हूँ कि कंपनी की इक्विटी करीबन सिर्फ 4 करोड़ है, 400 करोड़ के ऊपर रिजर्व है, और ऊपर से ये डिविडेंड्स भी बहुत हफ्टी शेयर होल्डर्स को देती है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी शेयर्स इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि थोड़े से प्रेशर अभी मार्जिन पे रहेंगे, रबर के प्राइसेस थोड़े से बड़े हैं, बट अगर हम नेक्स्ट 1-2 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है MRF एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर टायर मार्केट में रहेगा। और जिस प्रकार का बिजनेस और कैपिटल स्ट्रक्चर MRF का है, यहाँ से मैं समझता हूँ कि अगर 2 साल का नजरिया ले तो कम से कम 37-38,000 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए। श्योर। गौरव का कॉल है हमारे पास फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास ट्री हाउस की शेयर है 600@81 और जे को फिंसा के शेयर है 500@288, क्या करूं मैं? श्योर, आपको राय जरूर दिला देते हैं। इनफैक्ट स्वाति, ट्री हाउस 600 और 681 की परचेज प्राइस है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आप ट्री हाउस पर आपका क्या ओपिनियन है? ट्री हाउस चार्ज इतने कोई अट्रैक्टिव है नहीं है, कंटिन्यूसली डाउनफॉल में सब, ये स्टॉक फिलहाल सब ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, वॉल्यूम्स के बहुत लिटिल बिट कंसर्न्स है। आई विल सजेस्ट हिम कि ऑन एवरी राइज ट्राई टू एग्जिट इट आउट एंड एंटर्ड इनटू द अनदर क्वालिटी स्टॉक्स।